हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका, और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक मैगजीन जिसका नाम है डाउन टू अर्थ, और ये हमारी 1 से 15 जून की है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स इसमें इस मैगज़ीन में कवर की जाती है, और ये मैगजीन्स आपका रियलिटी लेकर आता है। नाम ही है डाउन टू अर्थ, यानी कि आपको हर जगह की एक रियलिटी देखने को मिलेगी। तो इस मैगजीन्स को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में और अपने इंटरव्यू में, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स और डेटाज होते हैं जो कि डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। साथ ही बहुत अच्छा इसमें आपको कहीं ना कहीं केस स्टडीज़ देखने को मिलेगा, किसी भी सिटी की, किसी भी जगह की जो मेजर प्रॉब्लम है वो इस मैगजीन्स में आपको देखने को मिलता है। रियलिटी क्या है वो दिखाने की कोशिश किया जाता है इस मैगजीन्स में। तो इस मैगजीन्स को पढ़ कर ना आप कहीं की भी एक रियलिटी को समझ सकते हो कि अगर कहीं पे वाटर स्कार्सिटी है तो क्यों है, क्या है, बहुत अच्छी रीजंस पता चलती है। एक केस स्टडी आपका तैयार हो सकता है जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो। साथ ही इसमें क्या होता है कि आपकी जो थर्ड माइंड होती है, थर्ड आई होती है, उसको ओपन करने में ये मैगजीन्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि आपको इस मैगजीन्स में एक दो टॉपिक ऐसे देखने को मिलेगा ना जो कि आपके रियल लाइफ में भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ आप अपने इंटरव्यू में भी एक अच्छा जवाब, अब एक अच्छा आंसर आप फ्रेम कर सकते हो। इस मैगजीन्स में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड देखने को मिलेगा, दूसरा हेल्थ से रिलेटेड देखने को मिलेगा, तीसरा हमारी एक कोई ना कोई एक टॉपिक होगी जिससे कि हमारी इंडिया की इकोनॉमिक शोक होगी, और चौथा है कि प्रॉब्लम, यानी कि लोगों को किस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मानसून टाइम पे नहीं आया है, और वाटर स्कार्सिटीज़ है, साथ ही साथ फ्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है, ड्रॉट बहुत ज़्यादा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये सारी चीज़ों से लोगों को किस तरीके से परेशानी हो रही है और किस तरीके से इन सारी चीज़ों को मिटिगेट कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इस बार का जो टॉपिक है वो है नाउ ज़ीरो इन। तो नाउ ज़ीरो इन देखते हैं कि इसमें क्या बातें की जा रही है। मेनली यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो री इलेक्टेड हुए हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, फिर से जो सेकंड टर्म इनका चल रहा है, तो इनके पास बहुत ज़्यादा बिगेस्ट चैलेंजेस है जिनको ज़रूरत है कि वो इन सारे चैलेंजेस को मीट कर, इन सारे चैलेंजेस को ये यहाँ पे उसको जितने भी प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशंस निकाल कर आए, जिससे कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जितने भी टारगेट है उसको अचीव कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहने का मतलब है कि जो आज की डेट में जितनी भी रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हैं उन सबका इस्तेमाल इस तरीके से करना है जैसे कि आज हमें तो पूरी चीज़ें अवेलेबल हो जाए, साथ ही साथ हमारे आगे आने वाले जनरेशन को भी सारी चीज़ें एकदम सही मात्रा में उनको अवेलेबल हो। इसको कहते हैं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सबका विकास होना चाहिए। तो इसमें 17 गोल टोटल रखा गया है, और इसकी जो टारगेट है वो 2015 से लेकर 2030 में इसको अचीव करना है। तो ये 15 साल का टारगेट दिया जाता है, तो इसी को अचीव करने के लिए बहुत सारी ऐसी अभी भी चैलेंजेस हैं मोदी गवर्नमेंट के सामने जो कि इनको यहाँ पे फेस करना है और उसको ओवरकम भी करना है। ओके, तो इस मैगजीन्स को देखते हैं, और सबसे एक बेसिक बात मैं बताती हूँ, अगर आपको आपके पास इसकी हार्ड कॉपी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हार्ड कॉपी नहीं है, अगर आप इस मैगजीन्स की पीडीएफ चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो रिसर्च पॉइंट के नाम से, वहाँ पे आपको इस मैगजीन की और दूसरी मैगजीन जितनी भी होती है ना, योजना, कुरुक्षेत्र, सबकी मैं वहाँ पर पीडीएफ डाल देती हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं सब अपलोड कर देती हूँ। ओके, और इस मैगजीन की एक खास बात है कि जब भी आप इस मैगजीन को अगर हार्ड कॉपी लेते हो तो इसको सबसे बैक पेज से पढ़ना स्टार्ट करना। ओके, मैं अभी आपको दिखा दूँगी कि बैक पेज से क्या होता है ना कि इसमें रियल न्यूज़ जो होते हैं ना, अगर आपके पास कम टाइम है और डेटा फेच करना चाहते हो तो आप बैक पेज से स्टार्ट करना। ओके, फिलहाल अगर हम लोग देखेंगे तो इस मैगजीन्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं एयर पॉल्यूशन, हेल्थ को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर, और SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और एग्रीकल्चर को लेकर। तो स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि खास यहाँ पे आपका कंटेंट दिया हुआ और ख़ास कुछ है नहीं यहाँ पे होता है, तो मैं डायरेक्ट आपको वहीं पे लेकर चलती हूँ जहाँ पे एक कोई भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ है। ओके, तो सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है और जो आपके रियल लाइफ में आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए वो सारी न्यूज़ को मैं यहाँ पर डील करूँगी। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, आप देख सकते हो कि अब ड्रोन्स के थ्रू आप मेडिसिन भी यहाँ पर डिलीवर करा सकते हो, लेकिन ये सबसे पहली बार कहाँ हुआ है, तो अफ्रीका में हुआ है। अब तक हम लोग 30 मिनट्स में पिज़्ज़ा मंगाते थे, लेकिन अब क्या होगा कि लाइफ सेविंग ड्रग्स भी आपको मिलने वाला है, 148 वैक्सीन भी मिलेगी, ब्लड यूनिट भी मिलेंगे, और 2000 हेल्थ फैसिलिटीज़ में मिलेंगे जो कि ये आपको घाना में देखने को मिल रहा है, एक अफ्रीका की सिटी है। ओके, तो
तो ये जो प्रोसेस है ना ये काफ़ी सिंपल है, यानी कि यहाँ पे डॉक्टर एक मैसेज सेंड करेंगे जिपलाइन को। जिपलाइन आपका एक यहाँ पे यूएस बेस्ड कंपनी है, तो जिपलाइन को एक मैसेज सेंड करते हैं। उसके बाद ये सारी पैकेज को, यानी कि जितनी भी आइटम्स है, जितनी भी मेडिसिन है, वहाँ के डॉक्टर इसको पैक करते हैं कार्डबोर्ड बॉक्स में, उसके बाद ड्रोन में रख देते हैं और उसके बाद वो स्टार्ट हो जाता है 110 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसको सेंड करती है, यानी कि जहाँ पर ये मेडिसिन जाना है, जिनके पास जाना है, उनके पास ये पहुँचाया जाता है। ओके, तो ये जिप लाइन करके एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि ऐसा वर्क कर रही है। तो बहुत जल्दी हम लोग को देखने को मिलेगा कि अगर ये ड्रोन जो है इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करना स्टार्ट हो गया है, ड्रोन से आपका मेडिसिन डिलीवर होना स्टार्ट हो गया, तो बहुत जल्दी हम लोग अपने कंट्री में भी इस तरीके की चीज़ें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडिया कैन क्विकली बिकम आवर इंटरनेशनल हब, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडिया भी बहुत जल्दी जो है जिप लाइन बहुत जल्दी जो है हमारे इंडिया में भी आने वाला है। इंडिया की लॉन्ग डिस्टेंस है, साथ ही यहाँ पे डिफ़िकल्ट टेरेन है जो कि इस तरीके के सिग्निफिकेंट चैलेंज को पूरा करेगी। यानी कि आप एक तो देख लेते हो कि यहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो जितना भी स्टेट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्ट टेरेन आपको देखने को मिलेगा, कि माउंटेन वगैरह है, उत्तराखंड हो गया, ये सारी स्टेट जो है, हिमाचल प्रदेश हो गई, ये सारी ऐसी स्टेट है जहाँ पर टेरेन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वहाँ के जोग्राफिकल लोकेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इन सारे एरिया में जो है ना ड्रोन के थ्रू यहाँ पर डिलीवर कराना बहुत ज़्यादा सही रहेगा। और वट वुड बी द स्केल ऑफ योर ऑपरेशन, मतलब कि ये ऐसा बता रहे है, इनका ये जिपलाइन है तो यही ये बता रहे हैं कि एक स्मॉल टीम है हमारी उनके कंट्री में जो कि इस तरीके की चीज़ों को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और बेटर तरीके से ग्रो हो पाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स जो है वहाँ पे आपके लोकल फार्मासिस्ट्स को एम्प्लॉयमेंट में दिया गया है, लोकल फार्मासिस्ट्स वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के तौर पर काम करते हैं, कि अगर उनको यहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है तो वो सारे मेडिसिन को पैक करके जहाँ भी डिलीवर कराना होता है वो यहाँ पर डिलीवर कराते हैं इस ऐप के थ्रू। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छी मुझे न्यूज़ लगी। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद ये आपका आता है ज्योग्राफी से, वेस्टर्न घाट लूज ट्री कवर्स टू अर्बनाइजेशन, यानी कि वेस्टर्न घाट में आपको ट्री कवर कम देखने को मिलेगा अर्बनाइजेशन के लिए, यानी कि वहाँ पे शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जा रहे हैं। तो वेस्टर्न घाट जो कि आपको देखने को मिलेगा कि पेनिनसुलर रीजन में है, इस तरीके से हमारा जो सदर्न पोर्शन है ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट हो गया। यहाँ पर हमारी केरल है, उसके ऊपर आपको कर्नाटक देखने को मिलेगा, यहाँ पर गोवा है और उसके बाद ये महाराष्ट्र वाली रीजन है। ओके, तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से ये वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है। इस रीजन में जो है ना आपका ट्री कवर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रही है। घाट्स में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 20,000 यहाँ पे हेक्टेयर का ट्री का लॉस हो चुका है 17 ईयर्स में, और ये इक्वालेंट है अगर हम लोग यहाँ पे 40,000 फुटबॉल ग्राउंड की बात करें, यानी कि एक आप फुटबॉल ग्राउंड देख चुके हो कितना बड़ा होता है, उसी का 40,000 फुटबॉल ग्राउंड के हिसाब से उतना इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे हमारी ट्री को कम किया गया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइवलीहुड के लिए, और साथ ही यहाँ पे आपका कौन कौन स्टेट है, तो यहाँ पे आपकी कर्नाटक भी आ गई और तमिलनाडु भी आ गई। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा कि तमिलनाडु वाली रीजन ये हो जाती है, तो ये भी आपका वेस्टर्न घाट में थोड़ा सा इसका पार्ट आता है, तो इस पार्ट में भी इस तरीके की चीज़ें की जा रही है। यहाँ पर रैपिड यानी कि बहुत जल्दी से ट्री लॉस देखने को मिल रहा है, वो भी 0.2 मिलियन टन से यहाँ पर कार्बन इमिशंस हो रहा है। जितना ज़्यादा फॉरेस्ट की कमी होगी उतना ज़्यादा हमारे यहाँ जो है कार्बन की कंसनट्रेशन एटमोसफेयर में बढ़ेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट होती है तो फॉरेस्ट क्या करती है, पेड़ पौधे क्या करते हैं कि जितना भी एटमॉस्फेयर में आपका कार्बन का कंसंट्रेशन होता है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को वो सिंक कर लेते हैं, सब कुछ यहाँ पे आकर फॉरेस्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो फॉरेस्ट की कमी क्या लीड करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा। रैपिड अर्बनाइजेशन यानी कि बहुत जल्दी जो ये शहरीकरण हो रहा है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि माइंडलेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही है, यानी दिमाग नहीं लगाया जा रहा है, बस किसी तरीके से डेवलपमेंट करना है। लोग अगर आ रहे हैं तो उनको बेसिक कम्युनिटीज़ किसी भी तरीके से प्रोवाइड करना है, ये एक तरीके का प्राइमरी रीजन है जो कि एक अलार्मिंग डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हम लोग को ट्री कवर में। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लैंड के प्लॉट है जिसमें कि बहुत सारी ट्रीज है, बट ये अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, टूरिस्ट रिसॉर्ट बनाया जा रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो उनको रहने के लिए घर बिल्डिंग वगैरह चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए रिसॉर्ट वगैरह चाहिए, तो ब्यूटीफुल रिसॉर्ट बनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ की आप लोकेशन देखोगे तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आपको देखने को मिलेगा। तो ये रीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा साउथ वेस्ट मानसून इन्फ्लुएंस होता है। इस तरीके से आप देख सकते हो
कि ये जो हमारा रीजन है ना केरल में, केरल में सबसे पहले हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है और ये आता है 1 जून को। ओके, तो 1 जून को यहाँ पे हमारी मानसून आती है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो जाएगी, यहाँ पे आपका पेड़ पौधा पूरी तरीके से हट जाएगा, तो मानसून आने में भी यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। ओके, अगर हम लोग कर्नाटक से अलावा बात करें तो वेस्टर्न घाट जो है वो आपका 6 पूरे स्टेट में है, केरल है, तमिलनाडु है, गोवा है, महाराष्ट्र, गुजरात है। ओके, तो यहाँ पे आपको याद होना होगा क्योंकि आप प्रीलिम्स में देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ओके, ये सारी हिडन मैगजीन्स है जिससे प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चंस बनता है, मैं आपको बता रही हूँ। एक ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन्स है, काफ़ी स्टूडेंट मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन मुझे उसका PDF नहीं मिल पा रहा है, ना ही वो मुझे मैगजीन अवेलेबल हो पा रही है। तो जब मुझे वो मैगजीन अवेलेबल होगी मैं उसकी लेसन ज़रूर लेकर आऊँगी। और एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप लोग के पास कोई भी मैगजीन्स आ जाती है, जैसे योजना आ जाती है या फिर आपको ज्योग्राफी एंड यू या आपका अपडेटेड वर्जन है कोई भी आपका डाउन टू अर्थ का, तो वो आप मुझे मेल कर सकते हो rishika.ch77@gmail.com, इसमें आप मेल कर सकते हो, मैं उसके लेसन जरूर लेकर आऊंगी। ओके, तो ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। 2008 में आपका एक क्वेश्चन था वेस्टर्न घाट, यहाँ पे आपका डायरेक्टली दिया गया है कि कौन कौन स्टेट में, केरल में है, ये कर्नाटक में है, यहाँ पे गोवा है, महाराष्ट्र है, और उसके बाद जो है महाराष्ट्र वाला, और फिर यहाँ पे आपको गुजरात देखने को मिलेगा, और ये जो तमिलनाडु की पोर्शन है ये तमिलनाडु थोड़ा यहाँ भी आ जाता है इस साइड वेस्टर्न साइड में। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 स्टेट में है और यही आपका UPSC की प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सट्रीम की बात करें तो 7.2% जो है वहाँ पे आपका शेयर है नेचुरल गैस बेस्ड प्लांट का, जो कि इंडिया में देखने को मिलेगा। टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है 24%, जो प्लांट लोड फैक्टर है ना उसमें आपको देखने को मिलेगा कि प्लांट यहाँ पे ऑपरेट होते हैं, और ये जस्ट बिकॉज क्योंकि डोमेस्टिक गैस अवेलेबिलिटी की कमी के कारण। 64% जो प्लांट है वो यहाँ पे बिना किसी गैस एलोकेशन एग्रीमेंट के यहाँ पे सेटअप किया गया। 2.8 मिलियन जो यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा कि एडिशनल नेचुरल गैस जो है ना इस प्लांट में ज़रूरत है, ये आपका प्लांट वो पौधा वाला प्लांट नहीं, वो इंडस्ट्री वाला प्लांट। ओके, इंडस्ट्री को भी हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में प्लांट वगैरह कहते हैं, जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, तो ये सारी होती है, तो इस प्लांट में आपको देखने ₹8 जो है ना ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नेचुरल गैस प्लांट से यहाँ पे आपका प्रोड्यूस किया जा रहा है। ओके, तो ये कुछ डेटा है जो कि आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सी न्यूज़ है। उसके बाद ये आर्टिकल हम लोग देखते हैं, इस आर्टिकल में कहा जा रहा है वेलफेयर इंटरप्टेड। ओके, तो इसमें बातें बहुत अच्छी बताई जा रही है। इसमें कहा जा रहा है टॉयलेट से रिलेटेड, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। इसमें कहा जा रहा है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था स्वच्छ भारत मिशन से पहले जो है, काफ़ी डिफ़िकल्ट था हमारे कंट्री में, और यहाँ पे मेजरली आपको देखने को मिलेगा कि गुजरात की वलसाड डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ की एक स्टोरी है कि एक वेमेन है जिनके हस्बैंड का डेथ हो जाता है, उसके बाद इनका 2 सन होता है। इस वेमेन जब हस्बैंड डेथ हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि घर का बंटवारा हो जाता है। घर के बंटवारे में इनको जो मिलता है ना, इनको और इनके 2 बेटे को, उनको टॉयलेट नहीं मिलता है। घर का जब डिविजन्स होता है तो उन इनके घर में टॉयलेट था, ये टॉयलेट है इन्हीं के घर का, लेकिन इनको ये नहीं मिलता है। इनको क्या हुआ कि इसके बाद जो है ना जब डिविजन्स हो गया तो इनको घर के बाहर जाकर मॉर्निंग में या फिर कभी भी घर के बाहर इनको खुले में शौच करना पड़ता था, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम भी आती थी इनको। ओके, इनको और इनके बेटों को भी काफ़ी तरीके का प्रॉब्लम भी झेलना पड़ा। लेकिन उसके बाद जब से यहाँ पर आपका जो स्वच्छ भारत मिशन आया, 2 प्रोग्राम ऐसा है जो कि इनकी लाइफ बदल के रख दी। 2, एक ऐसा है कि स्वच्छ भारत मिशन और दूसरा है उज्ज्वला योजना। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर में क्या था कि टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन करना था, उज्ज्वला योजना के अंडर में क्या था कि यहाँ पे LPG गैस प्रोवाइड करनी थी, वो भी वुमेन के नाम पे। तो उज्ज्वला योजना के नाम पर इनको गैस तो मिल गई थी, गैस मिली तो फिर ये गैस पे ही खाना बनाना स्टार्ट कर दी, सिलेंडर वगैरह जो मिला तो उसी पे खाना बनाना स्टार्ट कर दी। लेकिन सॉरी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे निकल कर आया रीफिलिंग के लिए, जैसे कि आप लोग न्यूज़ में भी पढ़ते होंगे कि रीफिलिंग के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम निकल कर आया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्राइसी था, तो ये लोग उसको प्रेफर नहीं कर रहे थे। इससे बेटर वो लोग प्रेफर कर रहे थे कि फिर से वो लोग जो अपना चूल्हा वगैरह जो ट्रेडिशनल चूल्हा यूज़ करते थे उसी को यूज़ करने लगे, क्योंकि रिफिल ये नहीं करा पा रहे थे। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के अंदर एक इनके घर में टॉयलेट लिंक्ड बायोगैस बनाने की कोशिश की जा रही थी। ओके, तो यहाँ पे आपका टॉयलेट लिंक्ड जो बायोगैस है ना इसको बनाया गया। इसको बनाने में क्या हुआ ना कि ये जो बायोगैस बनते गया जितनी भी टॉयलेट से आपका टॉयलेट जो भी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा था, तो उससे क्या हुआ ना कि बायोगैस बनते गया, और 1 महीने में ये पूरा तरीके से ये जो आपका पिट था ना ये पूरी तरीके से भर जाता था, और इस बायोगैस को ये बेच कर जो है ना उससे पैसे कमाती थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपका इनके बारे में बताया जा रहा, लेकिन ऐसा रूरल इंडिया में हमारे यहाँ किया गया किस तरीके का जो है टॉयलेट लिंक्ड बायोगैस बनाया जा रहा है, जिसके
थ्रू जितने भी टॉयलेट्स हैं, लैट्रिन्स हैं, वो जब यहाँ पे आपका पूरी तरीके से एक महीने के बाद उसको रख देने के बाद वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, उनको बेच दिया जाता है। उससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर में फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, वो एकदम मैन्योर है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज मैन्योर की तरह उसको यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये क्या करती थी कि उनको बेच कर ये पैसे लेती थी, और उसके बाद पैसे लेकर ये क्या हुआ कि फिर उसको रिफ़िल कराती थी। तो इसी के द्वारा इनका घर चलने लगा, और उसके बाद जो है इसको इनको पूरी तरीके से पैसे वैसे मिलने लगे, खाने वीने भी अच्छे से ये करने लगी। और भी बहुत सारा ऐसा योजना है गवर्नमेंट के थ्रू जिनके थ्रू जो है महिलाओं को पैसे दिए जाते हैं, महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उन्होंने इस तरीके का काम किया, और ये 18,000 जो है वो प्रोवाइड करते थे इनके द्वारा, इन लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता था, जो भी यहाँ पर आपका जो बायोगैस है ना उसको बेचते थे, सेल करते थे। लेकिन बेनिफिशरीज़ को एक और है कि मनरेगा के अंडर भी इनको एक गारंटी जॉब भी दी गई। तो मनरेगा के अंदर जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करके 9,100 पर ईयर वो कमा भी लेते थे। ऐसा नहीं है कि स्वच्छ भारत मिशन के पहले कुछ भी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा था। स्वच्छ भारत मिशन हमारा 2014 में आया, उसके पहले एक और मिशन चल रहा था जो कि निर्मल भारत अभियान है, इसके अंदर भी टॉयलेट को बनाने की बात की जा रही थी। लेकिन आपको पता है कि टॉयलेट की बनाने की बात की जा रही थी, लेकिन ऐसा जो ह्यूज लेवल पर जो आपका स्वच्छ भारत मिशन काम किया है, वैसे वो ये प्रोग्राम जो है आपका काम नहीं कर पाया था। लेकिन ये प्रोग्राम था उतना डीपली जाके लोगों का ध्यान नहीं रखा जाता था, या इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही थी ये स्कीम। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान जो है बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाया, लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद मिल पाया। अब इस वीमेन की आप हालत देख सकते हो कि ये यहाँ पर गैस और सिलेंडर से अपना खाना पका रही है। ओके, तो यही काम करती है। एक टॉयलेट जो है किस तरीके से वीमेन का किचन भी सुधार ली है, वो ये कहानी यहाँ पर बताया जा रहा है। ये आपका गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन ऐसी कई और ऐसी स्टोरी है जो कि इस तरीके से वेमेन की जो स्थिति है ना वो घर पे थोड़ी सी एक अच्छी हो चुकी है। ओके, एक बहुत अच्छा है, एक आप बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकार की एक गोबर धन भी स्कीम आई थी। ओके, गोबर धन भी स्कीम आया है जिसमें कि आपका बायोगैस जो है वो कैटल के डंग से, यानी कि काउडंग वगैरह जो होती है, एग्रीकल्चर वेस्ट जो होती है, उससे बायोगैस को यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग क्लीनलीनेस भी यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। यानी कि जितने भी गाय वगैरह थे, ये अपने घर में गाय वगैरह भी पालती थी, तो उसके बाद पता चला कि गोबर धन आया, तो उससे क्या हुआ कि जितने भी गोबर थे गाय के, जितने भी काउडंग थे, उनको बेचकर और उनको बेचकर भी ये बायोगैस प्रोड्यूस करती थी, उसके बाद उससे पैसे भी लेती थी। तो हर एक चीज़ से, इनको घर में रहने वाले हर एक चीज़ से जो है ये पैसे वहाँ से अर्न कर पा रही थी, उसके थ्रू वो अपना घर चलाती थी। ओके, अब यहाँ पर एक और बहुत अच्छा आर्टिकल है जो कि आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है। तो ये स्वीट ट्रिक्स है, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे लिए शुगर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप स्टार्टिंग से, सुबह से, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आप कितना शुगर खाते हो, किस किस चीज़ में शुगर खाते हो, और किस एज में कितना शुगर खाना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। देखिए, शुगर अगर आप छोड़ देते हो तो आपका जो है ना वज़न ऐसे ही गिरने लगेगा। शुगर इनटेक कम कर दीजिए, जैसे आप लोग मिल्क पीते हो, या फिर आप कोई भी जूस पीते हो, या फिर आप कुछ भी खाते हो, कर्ड वगैरह खाते हो तो उसमें भी एक्स्ट्रा शुगर लेते हो। किसी भी चीज़ में अगर आप एक्स्ट्रा शुगर ले रहे हो, एक चीज़ जो मैं कॉमन बताना चाहती हूँ, वाइट पॉइजन का नाम आप लोग सुने होंगे। तो वाइट पॉइजन हम लोग किसको कहते हैं, ये कहते हैं हम लोग शुगर और साल्ट को, यानी कि एडिशनल, यानी कि अगर आप ऊपर से सॉल्ट खा रहे हो और ऊपर से आप हर चीज़ में शुगर ले रहे हो, एक्स्ट्रा शुगर ले रहे हो, तो इसका मतलब कि आप अपने बॉडी पर वाइट पॉइजन ले रहे हो। ओके, सफ़ेद जहर है ये एक तरीके का। तो इससे क्या होता है कि आपके बॉडी में अगर ज़्यादा शुगर हो जाता है तो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आपके बॉडी में ज़्यादा सॉल्ट हो जाती है तो आपको बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा, दोनों से आपका डिजीज़ होने वाला है। इसलिए इन दोनों की इनटेक को थोड़ा सा आप मॉडरेट रखें, कम भी मत रखिए लेकिन मॉडरेट रखिए। तो यहाँ पर निशा कुमारी के बारे में बताया जा रहा है, निशा कुमारी है जो अपनी स्टोरी यहाँ पे शेयर कर रही है कि वो यहाँ पे 17 kgs लॉस कर चुकी है, वो भी 4 months में, और ये 28 ईयर्स ओल्ड है। ये काफ़ी एक्सरसाइज भी करती थी, लेकिन सबसे पहला काम जो ये की है वो ये की है कि यहाँ पे शुगर को वो पूरी तरीके से छोड़ चुकी है। इवन इनको डायबिटीज़ नहीं था लेकिन ये शुगर को छोड़ चुकी है, और ये रिकमेंड करती है कि हम लोग को टेबल शुगर को पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए। इवन जब हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो इसमें नेचुरल शुगर होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को लेना चाहिए, लेकिन हम लोग जो शुगर लेते हैं ना, चीनी जो अलग से इस्तेमाल करते हैं, वो चीनी हम लोग को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये बताती है कि इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन है जो कि वहाँ पे शुगर में कोई भी गड़बड़ी नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जो एडिड शुगर है ना, जो कि क्या हम लोग जंक फूड में ऐड करते हैं, शुगरी ट्रीट्स में हम लोग ऐड करते हैं, वो यहाँ पे ख़तरनाक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2015 में ऐसा कही है कि ह्यूमन बॉडी जो है ना वो मोर देन 10% जो कि कैलोरीज होना चाहिए वो एडिड शुगर के तौर पर वहाँ पर ले रही है, और ये जो कॉमन शुगर जो ऐड किया जा रहा है ना वो रेगुलर आपका टेबल शुगर है, हाई फ्रक्टोज
कॉर्न सिरप है जो कि वाइडली यूज होता है प्रोसेस्ड फूड में, और इससे हमारा जो है मोटापा बढ़ता ही है, साथ में साथ और भी हम लोग डिजीज़ को यहाँ पे इन्विटेशंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्टडी बताई जा रही है कि हार्ट डिजीज़ जो शुगर से रिलेटेड है ना, वो बहुत कॉमन है। जो आप देखते हो कि अचानक से हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट में होल हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी बताई जा रही है कि आपका शुगर इनटेक को बढ़ाने से ही होता है। नेचुरली जो शुगर प्रेजेंट है वो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसी को बस लेना चाहिए, हम लोग को एडिड नहीं लेना चाहिए। ओके, इससे क्या होता है ना कि ज़्यादा एडिड आप लोगे तो इसमें आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से डेथ होने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि 30% हायर रिस्क हमारे यहाँ कार्डियोवैस्कुलर की हो जाती है, और जो एसोसिएशन है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है बॉडी वेट को लेकर, कोलेस्ट्रॉल लेवल को लेकर, फिजिकल एक्टिविटीज़ होना चाहिए, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग और अल्कोहल कंसप्शन, सारी फैक्टर्स है जो कि आपका यहाँ पे हार्ट अटैक से अवॉइड करता है। यानी कि आप लोग सुनते हो, आप लोग के भी घर में किसी ना किसी को तो हार्ट अटैक ज़रूर आया होगा। तो हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़, यानी कि हार्ट डिजीज़ में आपका बहुत तरीके का डिजीज़ होता है, तो इसको आपको कैसे कंट्रोल करना है, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ खूब कीजिए। खूब नहीं कर पा रहे अगर आप ऑफिस में घंटों घंटों बैठ रहे, तो उसमें आप क्या कर सकते कि लंच टाइम में, ब्रेक टाइम में आप थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, उसके बाद आप रात के डिनर के बाद जो है थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, मॉर्निंग वॉक रखिए। अगर मॉर्निंग वॉक नहीं कर पा रहे तो एक्सरसाइज, योगा तो ज़रूर रखिए, फिजिकल एक्टिविटी मस्ट हैव है। ओके, स्मोकिंग अल्कोहल कंजप्शन को बिल्कुल ही आप छोड़ सकते हो तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको कैंसर होगा, टीबी होगा, ये सारी बीमारी तो आपको होगी अगर आज के डेट में आप लोग स्मोक कर रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा दुख है, स्ट्रेस है, कुछ भी है, वॉट एवर द रीज़न, अगर आप ये सारी चीज़ें ले रहे हो तो आप ये समझो कि आज जितना आपको कष्ट हो रहा है ना, उससे ज़्यादा कष्ट आपको आगे होने वाला है, क्योंकि आपको टीवी, कैंसर, बहुत ही गंदी गंदी बीमारियाँ होती है, उसका कोई भी इलाज नहीं है, और लास्टली जो है आप जानते हो कि क्या होता है। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे बताई जा रही है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, यानी कि जिसको हम लोग FSSAI कहते हैं, वो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करती है। यानी कि वो जितने भी पैकेज्ड फूड होता है ना, उसमें शुगर को ऐड करने का कभी भी ये सलाह नहीं देती है, क्योंकि एडेड शुगर रहेगा तो वो हमारे बॉडी में हार्म ही करेगा। शुगर और हेल्थ वर्कशॉप जो दिल्ली में है, वो यहाँ पर बताया गया, उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पे जो शुगर है ना, वो की कॉजेज़ होता है नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज़ कि एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलने वाला। तो ऐसा कौन कौन सा डिजीज़ है? डायबिटीज़ है, आपका ब्लड प्रेशर है, आपका थायराइड है, या फिर आप कोई भी गोइटर है, या फिर कुछ भी आप ले सकते हो, कोई भी डिजीज़ जो कि आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है, तो ये आपका शुगर इंटेक से भी होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से ये बताया गया है कि शुगर के इनटेक को थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, कट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है हमारे लिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम लोग कैसे अचीव करेंगे। तो वर्ल्ड बिगर एवर इलेक्ट्रॉल एक्सरसाइज में अगर हम लोग देखें तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से हमारे यहाँ न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आए हैं, और न्यू गवर्नमेंट के पास यहाँ पे चैलेंज है कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यहाँ पे वो टैकल करेंगे। अब 10 साल ही बाकी है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 2030 तक यहाँ पे हम लोग को पूरी तरीके से टारगेट लेकर चलना है। 2019 तो अब ख़त्म होने को है, यानी कि हमारे पास पूरा पूरी 10 साल है, और 17 SDG को और 169 टारगेट को यहाँ पे हम लोग को कम्प्लीट करना है। तो ये जो गोल है ना, इंडिया यहाँ पे पाइवटल रोल प्ले करती है कि चाहे वर्ल्ड इसको मीट करे या ना करे, इंडिया ज़रूर इसको मीट करने के लिए आगे हमेशा रहती है। ओके, अब इन्वायरमेंटल चैप्टर यहाँ पे बताया जा रहा है, और यहाँ पे एजेंडा बताया जा रहा है रिवर पॉल्यूशंस के लिए, वाटर पॉल्यूशंस के लिए, वाटर स्कार्सिटीज़ के लिए, जो कि धीरे धीरे लॉस होते जा रहा है। और यहाँ पे इसका अल्टर क्या है कि हम लोग को टॉयलेट बिल्डिंग करना है और रिवर ब्यूटिफिकेशंस करना है। ओके, रिवर को और ज़्यादा सजाना धजाना है, और यहाँ पर हम लोग को टॉयलेट को भी कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्शंस 2019 का जो रिज़ल्ट निकल कर आया, तो पुरानी गवर्नमेंट ही न्यू गवर्नमेंट बनी है, तो अब इनका न्यू गवर्नमेंट का एजेंडा क्या होना चाहिए? इसके सर में यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि 2019 की जो इलेक्शन है, डेवलपमेंट जो है वो एक तरीके का इशू नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्लियर है कि हम लोग को रूरल इंडिया के डिस्ट्रेस को यहाँ पे दूर करना है, और एम्प्लॉयमेंट जो है ना, ये तरीके से टोटल क्राइसिस में जा चुका है, क्योंकि आप लोग को पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे ऐसे सिटीज़ है जहाँ पर ड्रॉट देखने को मिल रही है, ट्राइबल एरिया में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी बहुत ज़्यादा पार्ट में निकल कर आ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जो कि अभी न्यू गवर्नमेंट के पास है।
फिर आगे इसमें यही बताया जा रहा है कि लार्ज पॉपुलेशंस जो है यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट को वोट की है, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि उनका यहाँ पे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस रहा है कि मोदी गवर्नमेंट आगे भी कुछ डेवलपमेंट करके लाएगी, तो फुल मेजोरिटी के साथ ये गवर्नमेंट जीत कर आई है। इनके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर है कि वो इन सारी चीज़ों को टैकल करके चले। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कहे तो एग्रीगेरियन क्राइसिस भी है, फार्मर्स बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, वो अपने इनपुट को यहाँ पर बेच नहीं पा रहे, अपने क्रॉप्स को जो है बहुत ज़्यादा उनका क्रॉप्स बर्बाद हो रहा है क्योंकि लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी है, लैक ऑफ मंडीज कनेक्टिविटी है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, नेचुरल कैलेमिटीज़ इतना ज़्यादा है कि उनको उन सारी चीज़ों से अपनी क्रॉप को लॉस होते हुए देखना पड़ रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम है। अब इन पास्ट 5 ईयर्स में देखें तो गवर्नमेंट ने दो की आस्पेक्ट में बहुत अच्छा वर्क किया है। एक तो यहाँ पे इंश्योरेंस सपोर्ट दिया गया है फसल बीमा योजना के द्वारा, फार्मर्स को यहाँ पे क्रॉप लॉस होने का, यानी कि आपका क्रॉप के प्रोडक्शंस के बाद भी अगर क्रॉप लॉस होता है तो भी यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है। और दूसरा है कि यहाँ पे आपका डेवलपमेंट असिस्टेंस भी किया गया है, हाउसेस बनाए गए हैं, यानी कि हाउसिंग फॉर ऑल वाले जो भी स्कीम थी उसके अंडर टॉयलेट की कंस्ट्रक्शंस हुई है, कुकिंग यहाँ पर सिलेंडर पुअरेस्ट हाउस होल्ड में दिया गया है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और एक और बात है कि डिस्परेट हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग अपनी फॉरेस्ट्री के लिए जो पॉलिसीज़ है उसको यहाँ पर चेंज करके लाएँ, यानी कि जो यहाँ पर फॉरेस्ट को इतनी आसानी से काटा जा रहा है और अपने लाइवलीहुड सपोर्ट के लिए जो कि पुअर ट्राइबल्स जो होते हैं, जो कि गरीब ट्राइबल्स लोग जो यहाँ पे आपके फॉरेस्ट जंगलों में रहते हैं, और वो अपने सपोर्ट के लिए यानी कि अपने लाइवलीहुड के लिए वो क्या करते हैं कि जंगलों को बहुत आसानी से वो लोग फॉरेस्ट को काट गिराते हैं क्योंकि उनके पास भी कुछ राइट्स होता है फॉरेस्ट को लेकर। तो इसमें भी ज़रूरत है कि हम लोग को चेंज लाने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है, तो यहाँ पर पुअर कम्युनिटीज़ को बेनिफिट दिया जा सकता है कि वो अपने हिसाब से जो भी उनको रिसोर्सेज चाहिए वो ले सकते हैं। तो ये सारी जो है एक लोकल पॉल्यूशंस का भी इश्यूज़ है यहाँ पे साथ ही साथ, जिसमें कि हम लोग वाटर और एयर पॉल्यूशंस देख रहे हैं जो कि काफ़ी टॉक्सिक हो चुकी है, हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दे रही है। यहाँ पे अभी आपको कोई भी डाउट नहीं है कि एयर पॉल्यूशंस जो है विजिबल है और कुछ सालों से बहुत ज़्यादा विजिबल है, बच्चों की भी बहुत ज़्यादा डेथ हो चुकी है, तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इन सारे प्रॉब्लम से किस तरीके से वो यहाँ पे टैकल करेंगे, साथ ही एजेंडा जो है वो यहाँ पे रिवर वाटर पॉल्यूशन वाटर स्कार्सिटी से लेकर है, तो यहाँ पे साथ ही साथ जो टॉयलेट बिल्डिंग की गई है और रिवर ब्यूटिफिकेशन से है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे विटनेस दिया जा रहा है कि इससे पहले कभी भी इतना लार्ज पार्ट में ड्रॉट नहीं आया था, सूखा इतना लार्ज पार्ट में नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा आपको फ्लड का प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तो इसलिए अब जाके इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि SDG के लिए क्या करना ज़रूरी है, तो जो न्यू गवर्नमेंट है वो यहाँ पे इंश्योर कर रही है हमारे कंट्री में कि किस तरीके से हम लोग एक तरफ जो है फ्रीडम को एंजॉय करते हैं और दूसरी तरफ जो है हम लोग टॉलरेंस भी बिना किसी डर के हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पे 17 गोल को सेट किया है जो कि हम लोग एचीव करना है 2030 तक, और यहाँ पे नीति आयोग भी अपने तरीके से बहुत ज़्यादा इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे SDG के जो भी टारगेट है उसको यहाँ पे अचीव कर सके। तो ये नीति आयोग ने हैंडेड ओवर की है गोल नंबर 16 जिसमें कि हमारे ह्यूमन राइट्स को डील किया जा रहा है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दिया गया कि वो इन सारी चीज़ों को डील करेंगे। 2016-17 में देखें तो यहाँ पे आपका जो है 15 स्टेट्स जो है वो बहुत अच्छा वर्क कर रही है हमारे SDG को लेकर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर। उसके बाद आप यहाँ पे डेटा दे सकते हो कि इंडिया की SDG रैंक कितना है, 156 में से हमारी जो रैंक है वो 112 है, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। और इंडिया की SDG रैंक अगर हम लोग 6 साउथ एशियन कंट्रीज़ में देखें तो हमारा रैंक कितना में है, 5 में, यानी हम लोग नीचे से यहाँ पर भी टॉप कर रहे हैं, तो ये भी हमारी कोशिश रहेगी कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करना है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ, बाकी जो इम्पॉर्टेंट है अब मैं लास्ट से चल रही हूँ, लास्ट की पेज में आपको ये देखने को मिलेगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दिस टाइम जो मॉनसून है वो थोड़ा डिफरेंट देखने को मिला, यानी हमारे यहाँ जो साउथ वेस्ट मानसून आती है वो सबसे पहले केरल कोस्ट में आती है 1 जून से। ये डिफाइंड है कि 1 जून से आएगी, लेकिन इस बार क्या हुआ कि 1 वीक लेट हुई और ये हमारे यहाँ जो दस्तक दी है वो 8 जून को दी है। 8 जून के बाद ये पूरी तरीके से हमारे जितने भी स्टेट है उसमें यह पहुँच चुकी है, लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि इंडियन मेट्रोलॉजी जिकल डिपार्टमेंट जो थी वो यहाँ पे नॉर्मल मानसून का पहले कह दी थी कि यहाँ पे नॉर्मल मानसून होने वाला है और रेनफॉल भी जो है वो नॉर्मल होगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग बहुत ज़्यादा वेट करने लगे, यहाँ पे फार्मर्स भी वेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी वेट कर रही है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि इस ईयर जो मानसून है ना वो थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। अब हम लोग ये एकमात्र आपको कुछ फ्यू ईयर्स में से इस ईयर देखने को मिलेगा जो मानसून अराइव हुई है ना वो इंडिया के हाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में हुई है, हाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरीके से मानसून आई है और हाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरीके से आपका ड्रॉट है यानी कि सूखा है, तो ये एक तरीके का डिफरेंट आपको मॉनसून देखने को मिलेगा।
उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनदर रीजंस क्यों यहाँ पे मॉनसून डिफरेंट है। तो मॉनसून सीजन जो इस टाइम आया है ना, वो इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट इंटरप्राइज यानी कि जो एग्रीकल्चर है उसमें आपको देखने को मिलेगा। फार्मर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस बार अगर मानसून अच्छा होता है तो फार्मर्स की इनकम भी अच्छी होती है, क्योंकि मानसून अच्छा होता है तो फसल अच्छे होते हैं, फसल अच्छे होते हैं तो ऑटोमेटिक फार्मर्स की इनकम यहाँ पर अच्छी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है फार्मर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी भी झेलनी पड़ी। अब बिगेस्ट कंसर्न यहाँ पर ये है कि मानसून अब कोई भी तरीके का ऐसा फैक्टर नहीं रह गया है, वन सेकेंड, हाँ, ऐसा फैक्टर नहीं रह गया है जिस पे कि हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि फार्मर्स का इनकम क्या होने वाला है, क्योंकि सडन कुछ भी चेंजेस देखने को मिल रहा है। थर्ड ऐसी कंसेक्यूटिव ईयर्स बताई जा रही है जिसमें नेट इनकम जो है फार्मर्स की वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई है यानी कि कम हुई है। फार्मर्स का देखें तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड उनके पास रहा है। अगर हम लोग मानसून का देखें तो यहाँ पर नॉर्मल प्रिडिक्ट किया जा रहा था, लेकिन फिर उसके बाद ये फेवरेबल कंडीशन में नहीं रही फार्मर्स। एक सेकेंड, हाँ, जो मोमेंट फूड इन्फ्लेशन है वो भी यहाँ पर राइज़ होने लगा। इन्फ्लेशन कैसे आती है? इन्फ्लेशन मीन्स मार्केट में मनी का बहुत ज़्यादा बहाव हो जाना यानी कि बढ़ जाना, पैसे का बढ़ जाना। ओके, तो इन्फ्लेशन कैसे आता है? जैसे आपका मानसून आता है तो मानसून आई राइट टाइम पर, अगर मानसून आ रही है तो जितने भी क्रॉप्स हैं उनको राइट टाइम पे यहाँ पर रेनफॉल मिल रही है, तो उससे क्या होता है कि फसल बहुत अच्छा होता है। फसल अच्छा होने से क्या होता है कि फार्मर्स जो है अपने सारे क्रॉप्स को वो मंडी तक पहुँचा पाते हैं, और सारे क्रॉप्स जो है अगर बहुत ज़्यादा आपको बाज़ार में सब्ज़ी देखने को मिलेगा तो सब्ज़ी की दाम जो है आपको मॉडरेट से लो होता है। लेकिन अगर वही सब्ज़ी बहुत कम यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर आपका बारिश अच्छा नहीं हुआ तो यहाँ पे आपका फसल भी अच्छा नहीं होगा। फसल अच्छा नहीं होगा तो बहुत कम होंगे फसल, तो ये कम फसल लेकर जो फार्मर्स है वो यहाँ पे मंडी पे जाएंगे, और मंडी में अगर आपको टमाटर बहुत कम देखने को मिल रहा है यानी कि टमाटर की रेट हाई हो जाती है, और जैसे ही किसी भी सब्ज़ी की रेट हाई होती है हम लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन आ गया। आप लोग को पता है कि 2016 में पल्सेस की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसके बाद अभी भी आप लोग देखते हो कि कभी कभी आपको टोमेटो बहुत कम देखने को मिलेगा मार्केट और वो 100 रुपीज़ पर केजी देते हैं। तो ये सब क्यों होता है? जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे यहाँ वेदर अच्छी नहीं होती, फेवरेबल वेदर नहीं मिल पाती इन सारे वेजिटेबल्स को, जिसके कारण जो है वेजिटेबल्स की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस मानसून में आपको देखने को मिलेगा कि एल नीनो थी, एल नीनो दो और एक ला नीना, ये दो आपका एक टर्म्स है जिसके कारण हमारे यहाँ जो है मानसून में अफेक्ट होती है। तो अगर एल नीनो आ रहा है इसका मतलब है कि मानसून लेट होगी और कहीं कहीं मानसून आएगी भी नहीं यानी कि सूखा आएगा, और अगर ला नीना आ रही है, ला नीना आ रही है इसका मतलब यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होगी। ओके, ये दो डिफरेंसेस है, बाकी डिटेल आप मेरी अन अकेडमी ज्योग्राफी की एक लेसन देख सकते हो जिसमें मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि मानसून के नहीं आने से अनईजीनेस देखने को मिला, अनहैप्पीनेस देखने को मिला लोगों में, और काफ़ी यहाँ पर नुकसान भी हमारे यहाँ बहुत सारी नुकसान भी हुई है। ओके, अब ये तो रही, उसके बाद हम लोग नीचे से ऊपर चल रहे हैं। आप देख सकते हो पीछे से अच्छी अच्छी यहाँ पे आपकी आर्टिकल्स रहती है, तो पीछे से पढ़ा कीजिए। ये कॉल ऑफ द लोकल है यानी कि कहा जा रहा है कि बहुत ऐसे रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आज के भी डेट में हम लोग की जो ट्रेडिशनल्स यहाँ पे जो क्विजींस होती है ना उसकी कमी देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे जितने भी न्यू होटल्स और न्यू रेस्टोरेंट जो हमारे यहाँ खुल रहे हैं वो क्या करते हैं ना कि बाहर के यहाँ पर क्विजींस रखना बेटर समझते हैं एज़ कम्पेरिजन टू जो हमारा इंडिया का ट्रेडिशनल क्विजिन है। ओके, अगर आप यहाँ पर गुजराती हो तो गुजरात में बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा जिसमें आपको स्पेशली सिर्फ और सिर्फ गुजराती ही आइटम्स होंगे। वहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स भी देखने को मिलेंगे, और आपको अगर कहीं भी आप चले जाओ, बिहार में चले जाओ, तो बिहारी जो क्विजिन होती है वो आपको रेस्टोरेंट और होटल्स में बहुत कम देखने को मिलेंगे। वो लोग क्या करते हैं, चाइनीज़ ले आते हैं और साउथ इंडियंस ले आते हैं और साउथ कोरियन डिश ले आते हैं, तो ये सारी डिशेस जो है वो हमारे रेस्टोरेंट और इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो यही चीज़ बताई जा रही है कि हमारी जो पहचान है, हमारी जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो हमारे कंट्री में खोते जा रही है, तो फिर बाहर की कंट्री में कैसे वो मेंटेन रह पाएगी। ओके, तो सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग को अपनी जो चीज़ें हैं उनको कभी भी खोना नहीं चाहिए, उनको कभी भी हम लोग को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, उनको कभी भी हटाना नहीं चाहिए। ऐसा हमेशा होना चाहिए कि आप कहीं भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको इंडियन फूड्स और उस अगर लोकल एरिया हो के हो तो उस लोकल एरिया की चीज़ें आपको खाने की क्विजिन्स में मिलना चाहिए। ओके, तो गाइस ये रही पूरी लेसन्स, और इस मैगजीन्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट थी मैं उसको डील कर चुकी हूँ। बाकी यहाँ पे आपका छोटा मोटा न्यूज़ होता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। मुझे जो लगता है कि आपके रियल लाइफ के लिए और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेटर हो वो मैं हाफ एन आवर में इसको कवर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर इस तरीके की मैगजीन्स आप अगर लेके बैठ जाओगे ना तो आपका टाइम कम्प्लीटली वेस्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1-2 घंटे कैसे निकल गए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चटपटी खबर भी रहती है जो कि आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। बस उतना पढ़िए जितना आपके लिए ज़रूरत है। ओके,
बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम किस तरीके से स्टैटिक पोर्शन कवर करूं और न्यूज़पेपर कवर करूं, मैगजीन्स पढ़ूं, तो कैसे ये सारी चीज़ें कैसे कवर करूं। बस ऐसे ही कवर करना है आपको। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप मुझे PDF जो भी आपके पास मैगजीन का आप मुझे सेंड कर दो, मैं उसको आपके लिए लेसन लेकर आ जाऊँगी। हाफ एन आवर के लेसन रखूँगी, उससे ज़्यादा नहीं। बढ़ता भी है तो वो 40-45 मिनट तक का हो जाएगा। ओके, उससे ज़्यादा अगर बढ़ रहा है कहीं भी तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हट के आपको पढ़ाया जा रहा है। तो उतना पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज़ में विद्वान होने का ज़रूरत नहीं है। बस आप टू द पॉइंट ऑफ जितनी भी सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो गाइस मैं यहाँ पे ये लेसन एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और फिर भी कोई डाउट क्वेरी सजेशंस है तो आप फ्री हो कमेंट कर सकते हो, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।